एनकाउंटर से डरे अतीक के गुर्गे और सपा नेता लल्ला ने किया सरेंडर। असद के करीबी को भी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड की साजिश रचने में बरेली जेल में बंद अशरफ के गुर्गे लल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड मामले में योगी सरकार की पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कई कार्रवाई की है। मर्डर में शामिल दो आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया गया है, जिससे माफिया के अन्य गुर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। बाहुबली के करीबियों में योगी पुलिस का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि एक आरोपी ने एसओजी के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाला आरोपी बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का गुर्गा लल्ला गद्दी है। क्राइम ब्रांच ने माफिया के बेटे असद के करीबी सोनू को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में सोनू ने असद से जुड़ी कई अहम जानकारी भी दी है। सोमवार रात करीब 11 बजे अशरफ का गुर्गा व सपा नेता लल्ला गद्दी जिले के सैटेलाइट चौराहे पर पहुंचा। यहां उसने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के आते ही आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद एसओजी उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाती नजर आई। लल्ला गद्दी के सरेंडर का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लल्ला गद्दी जेल में बंद अशरफ अहमद के साले सद्दाम का करीबी है। आरोप है कि वो सद्दाम के साथ मिलकर अशरफ को गैर कानूनी तरीके से मदद करता था। लल्ला गद्दी बितरी चैनपुर व बारादरी थाने से वांछित था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन बिथरी थाना पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च की तारीख तय की थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही उसने सोमवार रात को बीच चौराहे पर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से उसने सरेंडर कर दिया है। प्रयागराज पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अतीक अहमद के छोटे बेटे असद के करीबी सोनू को भी हिरासत में लिया है। पूछताछ में सोनू ने असद से जुड़ी कई अहम जानकारी दी है। पुलिस को सोनू के पास से 9 पिस्टल बरामद हुई है। आशंका है कि हत्याकांड में इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल किया गया होगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना